999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। बड़हरिया प्रखंड, जी हाँ, बड़हरिया प्रखंड जिले का सबसे बड़ा प्रखंड है और आप लोग जानते भी होंगे कि बड़हरिया में सबसे बड़ा टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पे होता है, चाहे क्रिकेट हो या फुटबॉल हो। लेकिन इस बार विगत 25 वर्षों से चलता आ रहा क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज यहाँ पे होने जा रहा है, जिसके गांधी मजहरुल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसके संचालक के रूप में हैं वो जकरिया खान साहब हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि इस बार इस टूर्नामेंट की कैसी तैयारी है। और हालांकि ये भी बता दें, जिले का सबसे बड़ा चर्चित टूर्नामेंट यहाँ पे होता है, काफ़ी दूर दूर से टीमें आती हैं और इस बार क्या इन यहाँ की व्यवस्थाएँ हैं, उसी पर हम प्रकाश डालेंगे और इनसे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जकरिया जी। इस समय नया ये है कि जो टीम आ रही है, जो उस जितना भी टूर्नामेंट हुआ है सबसे बेहतर टूर्नामेंट होगा, जो अच्छी टीम आ रही है। जी, बेहतर टूर्नामेंट होगा जी। और इस टूर्नामेंट का मुख्य आकर्षण क्या होगा? आकर्षण मुख्य है कि जो प्राइज जो राशि दिया जाता है जी, जो 1,00,000 हम लोग देते हैं और बढ़ा के देने का कमेटी ने फैसला किया है जी, कुछ उससे बढ़ा के राशि दिया जाएगा। आप एक अनुभव बताइए, 25 वर्षों से लगातार टूर्नामेंट चल रहा है, अभी तक का इतने लंबे समय का सफ़र का आपके पास अनुभव कैसा रहा ये टूर्नामेंट कराते आ रहे हैं? देखिए, ये टूर्नामेंट जो हम लोग कराते हैं इसमें कमेटी है जी। 200 लड़के का मेंबरशिप है जी। और दोस्त हर गांव के लड़के लोग हैं इसमें जी। जो नौजवान जो दोस्त हमारे जो जुड़े हुए हैं हमसे, तो सब हर गाँव के लड़के लोग हैं और सबके सहयोग से टूर्नामेंट चलाया जाता है। ये टूर्नामेंट काफ़ी ही फेमस है, बहुत दूर दूर से टीमें भी आती हैं और दूर दूर से लोग भी देखने आते हैं। और यहाँ पे सुनने में आता है कि राजनीति की शुरुआत कई पीच भी यहीं से तैयार करती है, जैसे लगभग 3 वर्षों के पूर्व ओसामा साहब, साहबुद्दीन साहब के जो पुत्र हैं, राजनीति की पारी की शुरुआत यहीं से किए थे। इस बार रईस खान साहब आ रहे हैं और इतने बड़े मंच पर पहली बार किसी मैच का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? जी, रईस खान साहब के लिए बहड़िया में तैयारी चालू है और पूरा चारों पोस्टर बैनर लगाया जा रहा है पूरा जी। और नौजवान यहाँ से उनको स्वागत के लिए सब लोग रहेंगे, सब लोग और फूल माला के साथ उनको स्वागत किया जाएगा जी, बहुत ढंग से उनका स्वागत। हाँ, मैच उन्हीं के हाथ से मैच जो उद्घाटन होगा उसका फीता काटा जाएगा, उसका फीता काटा जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। कहीं ना कहीं राजनीति की शुरुआत भी उनकी यहीं से मानी जाएगी। जी जी जी, राजनीति का बहड़िया जो बहुत पॉलिटिकल जो है, जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा प्रखंड भी बहड़िया है जी। तो रईस खान साहब बहड़िया निश्चित है, बहड़िया से राजनीति स्टार्ट होगा, राजनीति पारी की शुरुआत करेंगे जी। सर, एक चीज बताइए, आप इतने दिनों से करते आ रहे हैं, इस बार इतना बड़ा टूर्नामेंट है यहाँ पे होता है, जिले का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, किस प्रकार का सहयोग मिल पाता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए जी। कुछ लोग हैं, जैसे कि अभी जो है अगले जो टूर्नामेंट हुआ तो अल-नज़ीर बिल्डर्स जो है, जो जिसका आपका जो डायरेक्टर है, मालिक भी है मुन्ना हबीब साहब, उन्होंने फाइनेंस किया था। इस साल भी उनका बहुत सहयोग है इस टूर्नामेंट में। और इसके साथ सिटी हॉस्पिटल जो सिवान है, जो डॉक्टर सोहेल अब्बास जी है, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है इस टूर्नामेंट में। और बाकी लोग हैं जो वो लोग भी सहयोग करते हैं, छोटा बड़ा व्यवसायी है बहड़िया के, सबका सहयोग रहता है इस टूर्नामेंट। बहड़िया के जो आसपास के, अब तो नगर पंचायत बन गया है जी, तो अभी खैर फिलहाल चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन लोकल के जनप्रतिनिधि हुए, जैसे कि यहाँ के स्थानीय विधायक हुए, यहाँ के आसपास के जो व्यापारी वर्ग हुए और जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं, छोटा हम नहीं कह सकते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर के, जिला परिषद स्तर के, क्या उनका सहयोग कितना मिल पाए? सबका सहयोग रहता है इसमें। हम जो अभी तो 30 पंचायत था बहड़िया ब्लॉक में, अभी नगर पालिका होने की वजह से एक पंचायत कट गया इसमें, तो इससे 29 पंचायत रह गया। तो 29 पंचायत के मुखिया जो है, जो हम लोग इनवाइट करते हैं, सब लोग आते हैं यहाँ पे, बाकी जो BDC हैं उनको भी हम लोग बुलाते हैं, हम लोग और जो भी जनप्रतिनिधि या जिला परिषद है, आने वाले समय में प्रमुख भी लोग आएंगे जी। हाँ, प्रमुख भी आएंगे, प्रमुख की भी है तैयारी हो रही है जी। आप देखिए उसमें चुनाव कौन जीतता है उसमें। एक चीज और हम बताएंगे कि चुनाव जब विधानसभा का हुआ था तो सबसे बड़ा राजनीति का मुद्दा स्टेडियम ही था,
अभी ब्लॉक मैदान में आप करा रहे हैं, हालांकि हम देख रहे हैं कि जगह कम पड़ जा रहा है, बाउंड्री हो या लोगों के खड़ा होने के लिए, तो बढ़िया में ऑलरेडी स्टेडियम बना चुका है लेकिन बहुत बुरे स्थिति में है और उस पर राजनीति भी हो चुकी है, लेकिन उसकी दशा दूसरा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसके बारे में क्या कहें? नहीं नहीं, स्टेडियम में भी गेम हो सकता है, पर स्टेडियम में चूंकि हम लोग गेम इसलिए नहीं कराते हैं जी, चूंकि वहाँ दूर पड़ता है वहाँ पे जी, और जो लड़का लोग जो है जो इसमें चूंकि जो कमेटी के जो भी सदस्य हैं तो ये बीच मैदान में है, मार्केट के बीच में है, और इसके लिए सब बच्चे लोग आसानी से इसमें काम कर लेते हैं, इसमें और जो बांस से बांध देते हैं हम लोग स्टेडियम की तरह, इसको बना दिया जाता है, बांस से बांध दिया जाता है। एक चीज़ और व्यवस्था पे हम आते हैं कि बाजार के बीचों बीच है, यहाँ पे बहुत बड़ा मैच का आयोजन होता है और लोग भी दर्शक यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके व्यवस्था को उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसके लिए क्या व्यवस्था है? नहीं ना, व्यवस्था खिलाड़ी सहित मेहमान आपके आएंगे वो, और उसके बाद से लोगों को इसमें क्या है कि जो गेम कराने देखने जो आते हैं जो जी, तो जो भी दर्शक हैं ज़्यादा लोकल का लोकल हैं, बाहर से भी लोग आते हैं जी, तो इन लोग का ज़्यादा सहयोग रहता है इन लोग का, कि ये लोग अपने से ही सब मेजरमेंट कर लेते हैं, कहाँ को खड़ा रहना है, कहाँ बाइक लगाना है, कहाँ फोर व्हील लगाना है, लोग अपना लगा लेते हैं अपना। बाइक से हमको याद आ रहा है कि एक दो घटनाएं पिछली बार जो हुई थी, तो बाइक किसी चोर भी, मैं यहाँ पे तो मैच देखने आते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता है कि किसके सर पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं जो बाइक किसी का गायब हुआ है, उसके बारे में इस बार आपकी टीम क्या कुछ खास बंदोबस्त करने जा रही है? देखिए, कमेटी पहले हम लोग बोल देते हैं कि माइक से भी ऐलान होती है कि भाई अपनी बाइक, अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल जो भी है अपना सुरक्षा खुद कीजिए आप, मैच देखिए आप, मगर उसका सुरक्षा या बाइक लोकल आदमी है जो चार कदम दूर ग्राउंड है जी, उनको बाइक लाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे बाइक रखें, बाइक रख के अपना पैदल आए, अपना मैच देखें अपना। एक चीज़ और कि बहरिया में इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, आम जो बहरिया के क्षेत्र के लगभग 29-30 पंचायत है, बाहर से भी लोग आते हैं देखने के लिए, उन दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या आमंत्रित करने चाहते हैं विगत 19 तारीख को जिस दिन उद्घाटन होगा? 19 तारीख को बाबा साहेब गांधी मजलक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट, सबका स्वागत है, पूरा कमेटी का तरफ स्वागत है, जो भी दर्शक आएंगे मैच देखने के लिए जी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये टूर्नामेंट हम लोग कराते हैं, सद्भावना कप है, जो आपस में जो भाईचारा है वो बना रहे हमेशा जी, मेन उद्देश्य यही है कि टूर्नामेंट कराने का कि जो आपस में भाईचारा बहरिया में है जो बना रहे, जिसको आपने 25 साल से लगातार इसको प्रयास किया है, उसमें सफलता भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है जी, है सफलता है। तो खेल ही एक माध्यम है जो एक दूसरे को जोड़ कर जी जी हाँ, खेल से आपस में भाईचारा बना रहता है, आदमी एक दूसरे से जुड़ा रहता है। चलिए, हम आपको भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, जैसे ही आयोजन करके लोगों का मनोरंजन करते रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिएगा, और कोई बोलेंगे एक दो लोग? हाँ, लीजिए, अरे नंबर जोड़ दिया जाएगा। हाँ सर, इस जो मैच का आयोजन हो रहा है उसमें आपका सर नाम और इस मैच से आयोजन के रूप में कौन से पद पे? मेरा नाम जकरिया खान हुआ, पूर्व प्रत्याशी बहरिया विधानसभा क्षेत्र जी, और टूर्नामेंट अध्यक्ष है, टूर्नामेंट के अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। अरविंद कुमार यादव जी, क्या करते हैं अभी आप? अभी हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, ये 25 वर्षों से ये टूर्नामेंट चल रहा है, आपको पता है ना जी, देखते भी आते हैं, देखते बहुत छोटे होंगे जी। कैसा अनुभव है आपका? अनुभव तो बहुत अच्छा है कि यहाँ के जितने भी लड़के हैं जो नया पीढ़ी के हैं, हम लोग के उम्र के हैं, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, यहाँ के मैच देखने के बाद जाके कुछ सीखते हैं, बड़े बड़े यहाँ प्लेयर आते हैं दूर दूर से, तो यहाँ से कुछ सीखते हैं। और हमारे चाचा का भी यही लक्ष्य है कि ये टूर्नामेंट कराने का, यहाँ से लड़का जाए इंटरनेशनल में हाँ, इस मतलब इस प्रखंड से, बड़रिया प्रखंड से जाके जुड़े, इंटरनेशनल में जाके खेले। जकरिया खान साहब जो मैच का आयोजन यहाँ पे करवाते हैं, विगत 25 वर्षों से कराते आ रहे हैं, उनकी कैसी यहाँ की व्यवस्था रहती है? आप आते जाते हैं, छोटे से में भी होंगे तो आते जाते होंगे, अभी भी आते हैं, कैसी व्यवस्था आपको देखते? व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे, व्यवस्था भाईचारा बहुत अच्छी रहती है। हाँ, यानी कि इनके निर्देश में टूर्नामेंट का अच्छे ढंग से आयोजन होता है, बहुत अच्छा तरीके से आयोजन होता है, इससे आप इंस्पायर हैं जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई एक दो एक बाइट और सर किसी का?
पप्पू सर से लिए ना, पप्पू सर का सबसे ज्यादा, हाँ इनका आपका नंबर खाली बताइए जी। मेरा टी अहमद हुआ, टी अहमद बनाने में सब सहयोग इन्हीं का जी। हमारे साथ मौजूद है टी अहमद, जो इस बाबा साहब गांधी मजहरुल हक सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन हो रहा है, और लगातार ये बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग देते आए हैं बहुत पहले से, और अभी ये मौजूद हैं। इस बार संयोग है जी, विदेश में पहले रहे हैं और अभी इस बार मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं जी इनका क्या अनुभव है, कैसा अनुभव रहा 25 वर्षों का। जी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैं आभार व्यक्त करता हूँ इश्तियाक खान साहब का और जकरिया साहब का कि इस तरह का इस छोटे से कस्बे में इतना बड़ा जो है आयोजन करते आए हैं, और बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत दिली खुशी होती है। यहाँ का आयोजन बहुत फेमस हो चुका है, मैच बहुत दूर दूर के लोग जी 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 जी। जब मैं जिस साल मैं यहाँ रहता हूँ उस साल जो हर प्लेयर खुश रहता है कि पिच अच्छी होगी, फील्ड अच्छा होगा, मैनेजमेंट जो है अच्छे से रहेगा, समझे, पिच और फील्ड का मैनेजमेंट हम संभाल लेते हैं जी। पिच का जहाँ तक बताया जी, इस बार पिच कैसी होगी, क्या किसी खिलाड़ी जो आएंगे उन्हें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं ना? ना कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। यहाँ है कि इस पिच पे जो रुक के खेलेगा, धीरज से खेलेगा, वो लंबा खेल जाएगा, और जो जल्दबाजी करेगा वो जल्दी चला जाएगा, यानी कि इंतजार करना पड़ेगा। मौसम में चेंजिंग है जी जी, चेंजिंग है। पिच जब एक दो ओवर जब हो जाएंगे तो पिच जो है अपने स्टेप अपना लय पकड़ लेगी, कम से कम 3 से 4 ओवर जो है दोनों साइड से 2-2 ओवर निकल जाएगा पिच जब टूट जाएगी। हाँ। उसके बाद जब अपना मौसम पकड़ लेगी तो वो अपने लेवल पर चलेगी। हाँ। यानी कि एक पिच के गुण भी आप बताते जा रहे हैं जी, आपका पिच कैसा है और ये किसको लगभग ज्यादा सहयोग करेगा, फास्ट बॉलर या स्पिन को? नहीं, स्पिन को करेगा, स्पिन नहीं, यानी कि टर्न वाला विकेट, टर्न वाला विकेट है जो ये विलेज छोर हमारा है जी, वो टर्न वाला है। हाँ। और फास्ट ये है इधर से, तो इधर से रन ज्यादा बनता है और विकेट ज्यादा जो है विलेज एरिया से। जी जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। आप 25 सालों से कर रहे हैं, इस बार क्या कुछ नया होने वाला है? इस साल नया सबसे बड़ा आयोजन में सबसे बड़ा नया होने वाला है कि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और आपके क्राइम कंट्रोल के जो बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं रईस खान साहब, उनका शुभ आगमन हो रहा है। हाँ। और सिवान MLC से भी वो प्रत्याशी बनेंगे, ऐलान हो चुका है जी, और वो यहाँ से जो है अपना पारी का शुरुआत करेंगे जी। बढ़हरिया की ये धरती और ये जो टूर्नामेंट है, यहाँ से राजनीति की पारी की शुरुआत करते हुए हम कई नेताओं को देखे हैं। ओसामा साहब भी लगभग 2.5-3 साल पहले आके आप यहीं से उद्घाटन किए थे और पारी की शुरुआत किए थे, क्या लगता है रईस खान साहब भी ये करने जा रहे हैं, कैसे क्या महसूस जी? हमको अच्छी तरीके से याद है कि हमारे इंद्रदेव चचा जो है, जो जल संसाधन मंत्री भी रहे थे लालू के जमाने में, वो भी यहाँ फुटबॉल खेले हुए हैं। तो ये इस पवन धरती का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और खुशी होती है कि इस धरती पे खेल के बड़ा बड़ा जो है खिलाड़ी बना, जैसे IPL तक जो है इस धरती से खेला हुआ गए हैं, जो वेंकटेश अय्यर नाम है, वो बहुत आज से कम 15 साल पहले वो लड़का आया था और मेरे सामने आज भी स्कोर बोर्ड में है उसका नाम। अभी एक चर्चा और है, बाबू हत्ता का एक लड़का IPL की टीम में मुंबई इंडियंस की तरफ गया है, जो हमें अभी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन गया है शायद चर्चा में। हाँ। तो यहाँ से निकलते आ रहे हैं बढ़हरिया की धरती, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश देना चाहेंगे या और बच्चों के लिए संदेश देना चाहेंगे, जुड़े क्रिकेट से, जुड़े और फुटबॉल से जुड़े और आगे बढ़े, समझे, और कदम जो है आपका चूमेगी। अंतिम अपील क्या कहेंगे जो यहाँ पर दर्शक देखने आएंगे मैच, उनके लिए क्या करना चाहेंगे, कितना स्वागत के लिए तैयार है ये टूर्नामेंट? ये टूर्नामेंट और जो भी कमेटी के सदस्य है या वॉलंटियर्स है, सारे दर्शकों का स्वागत करते हैं, और मैं दर्शकों को कह देना चाहता हूँ कि आए और आके खेलों का लुत्फ ले चुके, नए नए प्लेयर आ रहे हैं और रणजी ट्रॉफी खेले हुए भी प्लेयर यहाँ आ रहे हैं, आए और आनंद ले खेल का, आनंद लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना नाम बता दीजिए जी। मेरा महताब तो हुआ, उसे सुबह पुकारने का नाम टी अहमद है, मैं स्कोरर हूँ और फील्ड पिच कॉन्ट्रेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ, एक चीज आप एक बाइट और है बस। कैसी आयोजन की तैयारी हुई है यहाँ पे? अभी का आयोजन बहुत जबरदस्त होगा और व्यवस्था भी बहुत। 19 तारीख को उद्घाटन है, पूरी तैयारी हो चुकी है? पूरी लगभग तैयारी हो चुकी है यहाँ पे जी, यहाँ का फील्ड का भी मुकम्मल पूरा काम
अच्छी तरह से पूरा लेबल वगैरह जो भी है सब कुछ तैयारी हो रहा है। अध्यक्ष जी जो है जकरिया खान साहब मैच का आयोजन कर रहे हैं, उनकी टीम लगभग पूरी इस मैच को कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम लोग हर वक्त रात से लेकर के दिनों रात हम लोग लगे रहते हैं, सब इन्हीं के संरक्षक में होता है जी, उन्हीं के इशारे पे ही पूरे गांव के लोग भी सहयोग देते हैं हर वक्त, जिस वक्त इनको जरूरत पड़ता है हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे गाँव के जो भी लड़के वो भी साथ में रहते हैं जी, हर वक्त इनके साथ हैं हम लोग। जकरिया खान साहब के बारे में बताइए जो इतने लंबे समय से हमारे बड़े भाई हैं और इनको हर वक्त हम इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे जैसा भी हो जिस वक्त भी हम इनके साथ में रहते हैं। क्रिकेट तो एक खेल है लेकिन वो जो अध्यक्ष जी जकरिया खान साहब करा रहे हैं कहीं ना कहीं सद्भावना को जोड़ने वाली चीज है। हम लोग हर वक्त जो भी है किसी से हम लोग भेदभाव नहीं रखते हैं, हम लोग जैसे हैं जो भी है। अभी का राजनीतिक ऐसा हो गया है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो एक दूसरे को बांट दिए हैं, लेकिन हम लोग ये खेल कराते हैं एक दूसरे को जोड़ने के। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शहादत अली खान। शहादत अली खान जी, यहीं के बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक इन्होंने चीज कहा कि ये खेल जो है लगातार दूसरे को जोड़ एक दूसरे को जोड़ती है, आपसी भाईचारा का ये पैगाम देती है। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।